हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी अनसॉल्व के पेपर में जो मॉडल नंबर तीसरा दिया गया है इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। और तीसरा ऑप्शन दिया गया ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चौथा ऑप्शन दिया गया है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट, प्रश्न नंबर खा में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के रचनाकार का नाम लिखिए। मतलब हमें चार रचना दिया गया है, इन चार रचना में से हमें किसी एक लेखक का, किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है। पहला दिया गया है नर से नारायण, दूसरा दिया गया है भूतनाथ, तीसरा दिया गया है साहित्यवलोकन, चौथा दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आइए सभी का लेखक का नाम जान लेते हैं। पहला दिया गया है नर से नारायण, इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। दूसरा है भूतनाथ, इसके लेखक हैं बाबू देवकीनंद खत्री। तीसरा है साहित्यवलोकन, इसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि गा नंबर में हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम, नंबर एक नंबर दो। नंबर एक में हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, नंबर दो में लिखेंगे प्रेमचंद। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर घा में कहा जा रहा है कि किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी एक यात्रा वृत्त लेखक हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है, यानी जो पथ का साथी ये जो रचना है ये कौन सी विधा है ये बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो में का खा गा तीन प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है का नंबर पे रीतकाल की दो प्रवृत्तियां लिखिए, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रीतकाल की दो विशेषताएं लिखिए। चाहे प्रवृत्तियां कहे चाहे विशेषताएं कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे रीतकाल की दो प्रवृत्तियां, नंबर एक नंबर दो। नंबर एक में हम लिखेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता, नंबर दो में लिखेंगे ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये दो नंबर का प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर खा में कहा जा रहा है कि प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, नंबर एक नंबर दो। नंबर एक में हम लिखेंगे विद्रोह का स्वर, नंबर दो में लिखेंगे व्यंग की प्रधानता। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको दो नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ग में कहा जा रहा है कि किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। एक नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि मतलब जो छायावादी युग था उस समय के किसी एक कवि का नाम लिख देना है। तो उत्तर में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनसॉल्व के मॉडल नंबर तीसरे में दिया गया था। तो जितने भी प्रश्न हमने आप लोगों को बताए हैं उत्तर सहित आप लोग जो कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।